दोस्तों, अक्सर हमने सुना होगा कि जो मुफ्त की चीज होती है उसे पचाना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो भी हो रहा है व्हाट्सएप के साथ। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप हम सबको अब तक फ्री में यूज करने को मिल रहा था, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, प्रोफेशनल लाइफ से लेके पर्सनल लाइफ तक, हर कोई व्हाट्सएप का यूज कर रहा है। क्या आपको मालूम है कि कोई आप पर हर वक्त नजर रखे हुए है? आप किसे कॉल कर रहे हैं, किसे मैसेज कर रहे हैं, किसे वीडियो चैट कर रहे हैं, किसे आप मेल कर रहे हैं, और आप क्या सर्च कर रहे हैं? कोई आप पर पैनी निगाहों से नजर गड़ाए बैठा है। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सावधान हो जाएं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे व्हाट्सएप आपकी हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठा है। दोस्तों, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी ने हर जगह हंगामा मचा रखा है और यूजर्स इसे लेकर काफी कंफ्यूज हो गए हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप अपने यूजर्स को एक नोटिफिकेशन भेज रहा है, जिसे यूजर्स बिना पढ़े अफरा तफरी में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगर आप भी उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं तो हो जाइए सावधान, और अगर अभी तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आपको जल्दी व्हाट्सएप की ओर से नोटिफिकेशन भी मिलने वाला है, और अगर आप उसे एक्सेप्ट कर देंगे तो अब आपकी कोई भी जानकारी प्राइवेट नहीं रहेगी। आपके फोन की हर हरकत व्हाट्सएप आगे दूसरी कंपनियों को बेच रहा है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का समय दिया है। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे, और अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज आपके लिए 8 फरवरी 2021 के बाद बंद कर देगा, और यूजर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। या तो उन्हें एक्सेप्ट करना होगा या तो उसे रिजेक्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट कर देते हैं तो आपके फोन की कोई भी जानकारी प्राइवेट नहीं रहेगी, और अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको अपना अकाउंट डिलीट करना होगा व्हाट्सएप से। मतलब नई पॉलिसी को कुछ समय के लिए रिजेक्ट करने पर भी आपका अकाउंट 8 फरवरी तक चलता रहेगा, पर आप 8 फरवरी के बाद अपने अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे। ना चाहते हुए भी आपको सर्विसेज को कंटिन्यू रखने के लिए इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इस नई पॉलिसी में फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा है, और अब यूजर्स का पहले से ज्यादा डाटा फेसबुक के पास होगा। व्हाट्सएप का डाटा पहले भी फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा था, लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया था कि फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा रहेगा। व्हाट्सएप की अपडेटेड पॉलिसी में कंपनी को दिए जा रहे लाइसेंस में कुछ बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है कि हमारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट आप अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं उसको यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री और ट्रांसफरेबल लाइसेंस देते हैं। इस नई पॉलिसी में व्हाट्सएप आपका फोन नंबर, बैंकिंग ट्रांजैक्शन डाटा, और आप दूसरों से कैसे कनेक्ट करते हैं और आप क्या सर्च कर रहे हैं ब्राउजर में, ऐसी जानकारी दुनिया भर में शेयर कर देगा। और इस नए नोटिफिकेशन में फेसबुक की कंपनियां और सर्विसेज व्हाट्सएप में आपकी जो प्राइवेट चैट हुई है या नॉर्मल चैट हुई है उसे स्टोर कर सकते हैं, और फेसबुक के दूसरे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। और इस नई पॉलिसी के नोटिफिकेशन के बाद
यूजर्स को मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिया जा रहा व्हाट्सएप के द्वारा। दोस्तों, अगर आपने अपने फोन से या व्हाट्सएप से किसी दोस्त को या ऑफिस मेंबर को कांटेक्ट किया है जो कि आपके फेसबुक में ऐड नहीं है, और कुछ दिनों के अंदर अगर फेसबुक द्वारा सजेशन दी जा रही है ऐड अ फ्रेंड करने की, तो आप समझ लीजिए आप जाने अनजाने में इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। और व्हाट्सएप आपकी सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम को लीक कर चुके हैं।